दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने कंप्यूटर से नया जीमेल अकाउंट बना सकते हो। दोस्तों, कंप्यूटर में नया जीमेल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कैसे जीमेल अकाउंट बनाते हैं, और वैसे लोग भी होते हैं जिनको कंप्यूटर में जीमेल अकाउंट बनाना नहीं आता है। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है कि कंप्यूटर में जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने कंप्यूटर में नया जीमेल अकाउंट बना सकते हो। तो दोस्तों, आपको हर एक स्टेप अच्छे से सीखने के लिए आपको पूरा वीडियो अच्छे से वॉच करना है। तो सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। अब यहां पर आपको अपने ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन होने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है क्रिएट जीमेल अकाउंट, उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आप ध्यान से लिंक देखिएगा, accounts.google.com साइन अप। इस लिंक पर क्लिक करने से आप डायरेक्ट जीमेल अकाउंट के साइन अप वाले पेज पर पहुंच जाओगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो लिंक है accounts.google.com साइन अप, इसी लिंक पर आपको आना है। तो यहां पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बना लेना है। अब यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम बना लेना है, जिस यूज़र नेम से आपको ईमेल बनाना होगा वही यूज़र नेम आपको बना लेना है। अगर दोस्तों आपने जो यूज़र नेम बनाया होगा वो ऑलरेडी पहले से टेकन होगा, तो यहाँ पे आपको अपने यूज़र नेम में कुछ नंबर ऐड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूं आपको, जैसे 96930 मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ ये यूज़र नेम टेकन है कि नहीं है। तो यहाँ पे अभी भी बता रहा है कि यूज़र नेम जो है वो टेकन है। तो यहाँ पे मैं और भी नंबर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको चेक करना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इस यूज़र नेम से कोई भी यूज़र नेम टेकन नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको पासवर्ड बना लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो पासवर्ड बनाओगे यहाँ पर वो पासवर्ड डाल लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड डाल लेना है कन्फर्म में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डाल लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों आपने अगर पहले से कोई ईमेल बना रखा है तो यहाँ पर वो ईमेल आप डाल सकते हो रिकवरी के लिए। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पर मंथ डाल लेना है, उसके बाद जो डे होगा यहाँ पर डाल लेना है, ईयर जो होगा यहाँ पर डाल लेना है आपको। फिर उसके बाद आपको जेंडर पूछा जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करके आप अपना जेंडर जो होगा वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो जीमेल अकाउंट होगा वो सक्सेसफुली बन जाएगा। दोस्तों, नया जीमेल अकाउंट बनाने के लिए एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर प्रोफाइल पे आप क्लिक करके यहाँ पर आप ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ पे यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हो साइन अप वाले पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ से भी आप जीमेल अकाउंट बना सकते हो। दोस्तों, दोनों तरीका जो है वो सेम है, बस ये फर्क है कि यहाँ पर जो साइन अप वाले पेज में पहुंचने का जो तरीका है बस वो अलग है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप अपने कंप्यूटर से नया जीमेल अकाउंट बना सकते हो। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर से नया जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर जीमेल अकाउंट बनाने में दिक्कतें आ रही है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।